नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी स्किल सक्सेस पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती को लेकर एक रिपोर्ट जो निकल कर सामने आई है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। रिपोर्ट में सबसे पहले मैं हेडिंग आपको बता देता हूँ क्या क्या इस किन मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। नंबर एक की है कि 8,352 जो 52 शिक्षक हैं वो अपना जिला जो है वो बदलना नहीं चाहते हैं, यानी कि वो रिशफल जो प्रक्रिया है उसमें शामिल नहीं होना चाहते। और बाकी जो 5,570 पदों पर जो है वो जारी कर दी जाएगी प्रतीक्षा सूची। कब तक जारी की जाएगी उसके बारे में भी हम जानेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप भी तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड हैं तो इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए ताकि आपको ये पूरा मुद्दा जो है जो शिक्षक भर्ती लेवल फर्स्ट को लेकर वो समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले ये देखिए, आपको ऊपर हेडिंग दिखा देता हूँ मैं, आपको क्या बोला गया है कि 8,352 शिक्षक नहीं चाहते बदले जिला, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2018 लेवल प्रथम का मामला। सबसे पहले हम इसको थोड़ा देखते हैं कि इसमें क्या बोला गया है। क्या बोला गया कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2018 जो थी वो लेवल प्रथम में रिक्त रही सीटों को भरने के लिए रिजल्ट रिशफल कर मेरिट से वेटिंग वाले अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। वहीं शिक्षा विभाग ने पूर्व में कार्यरत टीचर्स में रिशफल प्रक्रिया में शामिल होने पर 18 अप्रैल तक राय मांगी थी, जो आपने पीछे 18 अप्रैल तक इसमें अप्लाई कर सकते थे। उनमें 18,000 ज्वाइन करने वाले शिक्षकों में से 8,352 ने असहमति जताई है, यानी वह शिक्षक पूर्व में कार्यरत जिले में ही रहना चाहते हैं। वर्तमान जिले में ही कार्यरत रहने पर सहमति जाहिर करने वाले शिक्षकों की सूचियां प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने शुक्रवार को जारी कर दी है। इनमें विशेष शिक्षा के 93 और सामान्य शिक्षा के 8,259 टीचर्स की सूची विभागीय वेबसाइट पर जारी की गई है। सूची में नाम नहीं होने या असहमति देने पर भी असहमति में नाम आने से संबंधित प्रकरणों पर टीचर्स 24 अप्रैल तक संबंधित डीओ प्रारंभिक को अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकेंगे। वर्तमान जिला रिशफल चाहने वाले टीचर्स की सूची अलग से जारी की जाएगी। यानी कि क्या हुआ है कि जो 18,000 टीचर्स ने ज्वाइन किया था उनमें से 8,352 जो टीचर्स हैं, जो ये वाली संख्या है, इतनों ने असहमति जताई है कि वो करंट जो उनका जिला है उनमें ही रहना चाहते हैं। तो जो भी विद्यार्थी अपने ही जिलों में रहना चाहते हैं उनकी जो सूची है वो विभाग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। तो अगर आपने इसके लिए अप्लाई किया था तो आप यह सूची जरूर देखें ताकि आपका इसमें नाम न हो। कई बार गलतफहमी की वजह से आपने अगर सहमति जताई है लेकिन आपका नाम असहमति में आ गया है तो इसके बारे में आप 24 अप्रैल तक विभाग को आपत्तियां दर्ज करवा सकेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये थी इसको लेकर न्यूज। अब जानते हैं इसके बारे में क्या है कि 5,570 पदों पर जारी की जाएगी प्रतीक्षा सूची। क्या बोला गया कि शिक्षा विभाग ने पिछले साल लेवल प्रथम के 26,000 पदों पर भर्ती निकाल ली थी। इनमें 18,000 ने ज्वाइन कर लिया है और 8,000 पद खाली है। इनमें 5,570 चयनित अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने या तो ज्वाइन नहीं किया या दस्तावेज जाँच में अनुपस्थित रहे। खाली पदों को भरने के लिए शिक्षा विभाग प्रतीक्षा सूची और रिशफल परिणाम जारी करेगा। निर्वाचन आयोग से अनुमति मांगी गई है। निर्वाचन आयोग को इसकी रिपोर्ट भेज दी गई है। अब निर्वाचन आयोग द्वारा इसका जवाब कब तक आता है वो देखने लायक होगा। जैसे ही इसके बारे में कुछ सूचना आती है तो हमारे चैनल के जरिए आपको सबसे पहले सूचित कर दिया जाएगा। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ हमारे चैनल स्टडी स्किल सक्सेस पर। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।